नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। एक तरफ विकसित देश का संकल्प है और दूसरी तरफ पीछे स्क्रीन पर दिख रही है तस्वीरें। ये है भारत की तीन बड़े शहरों के तीन एयरपोर्ट्स, जहां पिछले तीन दिन में हो चुके हैं तीन हादसे। जबलपुर में 27 जून को कनोपी का हिस्सा गिरा, तो दिल्ली में 28 जून को देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत का हिस्सा गिर गया, जबकि राजकोट में भी कनोपी का हिस्सा गिरता है। कुल मिलाकर एयरपोर्ट जो तस्वीरें यहां से आ रही है वो बेहद डरावनी है, खतरनाक है, क्योंकि ये आपकी और हमारी जान की बात है और इसीलिए आपको पकड़नी है फ्लाइट। तो एयरपोर्ट पर रहिए सावधान, क्योंकि एयरपोर्ट पर जाना मना है। तीन दिन, तीन हादसे, तीन एयरपोर्ट, हादसे के लाइव रिपोर्ट। एयरपोर्ट पर रहो सावधान, खतरे में ना पड़ जाए जान। जून में ही गिर गई छत, जुलाई अगस्त में क्या होगा? एयरपोर्ट एक ऐसी जगह जहां सुरक्षा के कड़े। फिर 28 जून को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल एक पर छत के टूटने की घटना सामने आई और अब गुजरात के राजकोट में भी एयरपोर्ट की छत गिरने का मामला सामने आया है। यानी तीन दिन, तीन एयरपोर्ट और तीन हादसे। आप देखिए, ये T1 का डिपार्चर एरिया है और यहाँ पर किस तरीके से जो छत थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। हालांकि ये छत काफ़ी लंबी है, लेकिन आधे पार्ट में ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर, जी हाँ, ये वही एयरपोर्ट है जहाँ पर कल जो है बारिश में एक हादसा हुआ और एयरपोर्ट के बाहर बना पोर्च का जो हिस्सा है वो ऊपर जो देखिए कैनोपी जो से बना हुआ पोर्च है वो टूटकर यहाँ पर गिरा था। आपको मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितना बड़ा होल जो है इस कैनोपी टेंट में हुआ है। जून में मॉनसून ने अभी ठीक से दस्तक भी नहीं दी कि लगातार हो रहे हादसों ने सिस्टम की पोल खोल दी है। दिल्ली से लेकर जबलपुर और अब राजकोट में हुए एयरपोर्ट हादसे की वजह से इस वक्त देश में सबसे ज्यादा सुर्खियों में एयरपोर्ट है और उसकी सुरक्षा, लेकिन बात आपकी जान की है। तीनों हादसे एयरपोर्ट पर हुए तो हेडलाइन भी बनी और राजनीति भी शुरू हो गई। जबलपुर में 27 जून को कनोपी का हिस्सा गिरा जिसमें जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली में 28 जून को जब छत का हिस्सा गिरा तो एक के मौत के साथ 8 लोग घायल हो गए। जबकि राजकोट में भी कनोपी का हिस्सा गिरता है, लेकिन गनीमत रही कि कोई जान नहीं गई। ये भारी बारिश नहीं बल्कि अभी तो सिर्फ फुहार भर गए। इसमें दिल्ली से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश तक सिर्फ सिस्टम की लाचारी और खुमारी सबकी पोल खोल कर रख चुकी है। और सबसे बुरा हाल हुआ है राजधानी दिल्ली में। दिल्ली देश की राजधानी है, वही दिल्ली जिस पर देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को फक्र होना चाहिए, जिस राजधानी को कभी लंदन बनाने का सपना दिखाया जाता है, कभी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का संकल्प लिया जाता है। उसी राजधानी की दो खबरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है क्योंकि आप दिल्ली में हैं। दिल्ली में शाहजहां का बनाया हुआ लाल किला भले ही 386 साल बाद भी ना ढहे, लेकिन फौलादी कनोपी फुहारे धस जाए जो हुजूर का नहीं बारिश का कसूर होता है। आजादी के 75 साल और सत्ता के 10 साल में राजधानी को लंदन बनाने चले लोग अगर नाले तक का इंतजाम नहीं कर पाए तो इंतजामियत का कसूर नहीं, कुदरती फितूर होता।
न्यूज 24 आपको सीधी वो तस्वीर दिखा रहा है जिसकी वजह से आज एक व्यक्ति की जान चली गई और बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पर घायल हो गए। वो तस्वीर ये है, आप देखिए, ये T1 का डिपार्चर एरिया है और यहाँ पर किस तरीके से जो छत थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। हालांकि ये छत काफ़ी लंबी है लेकिन आधे पार्ट में ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। बेशक ये कहा जा रहा है कि हैवी रेनफॉल हो रहा था, बारिश हो रही थी, लगातार बारिश होने की वजह से लीकेज हो गया और लीकेज होने की वजह से ही इस तरीके की जो हादसे हैं वो सामने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इतनी सी बारिश इसको क्षतिग्रस्त कर सकती है, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अगर इसे बनाए हुए काफ़ी वक्त हो चुका है तो इसके मेंटेनेंस पर क्या काम चल रहा था। तीसरी बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से ये क्षतिग्रस्त हुआ है ऐसे में इसमें किस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये प्राइवेट पार्टी द्वारा बनाया गया था, तो क्या प्राइवेट पार्टी पर यह कार्रवाई होगी। मुआवजे का ऐलान हो चुका है लेकिन बावजूद इसके सवाल कई है। इस बड़े हादसे को टाला जा सकता था अगर समय रहते इसके मेंटेनेंस पर काम किया जाता, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि कई टर्मिनल्स पर भारी बरसात में पानी के लीकेज होते रहे हैं जिसकी वजह से कई बार छत के जो ऊपर के हिस्से हैं वो हवा तेज होने की वजह से उड़ जाते थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से बारिश हो रही थी लगातार पानी जो है वो निकलता जा रहा था, उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से क्षतिग्रस्त और ध्वस्त हुआ है। मीटर मीटर भर भारी भरकम वाले लोहे के व्यास वाले भारी भरकम गाटर जमीन पर ऐसे धंसे कि नीचे खड़े लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। तेज आवाज के साथ पूरी छत नीचे आ गिरी और नीचे खड़ी टैक्सियां उस छत के नीचे दब गई। मौके पर मौजूद यात्री भी उसी की चपेट में आ गए। वो तो गनीमत रही कि एक हिस्सा ही जमीन तक पहुंचा, बाकी एक ऊंचाई तक पहुंचकर रुक गया, नहीं तो ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती। यहाँ पर जो भैया हादसा हुआ है सुन के डर लग रहा है? मैंने तो हम रूम पर थे, हम तो अभी आए हैं मैडम। अच्छा, अभी देखे तो आपको डर लग रहा था? अभी तो देखा तो इसे गिरा हुआ डर तो थोड़ा बहुत सबको लगेगा। डर लगता है जब इस तरीके का हादसा देखता है? हाँ, डर तो लगता है। साल में 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही का भार जिस एयरपोर्ट पर हो, अगर वहां पूरी छत धस जाए तो लोग हैरान ही नहीं परेशान होते। ऐसे में मोदी की नई कैबिनेट में मंत्री बने राम मोहन नायडू जब हादसे की खबर सुनते ही 3.5 घंटे के अंदर एयरपोर्ट पहुंचे तो पहले उन्होंने एयरपोर्ट का दौरा लिया और फिर मीडिया से भी उन्होंने बात की। नायडू साहब, क्या आप घटनास्थल से होकर आए हैं? क्या घटनास्थल भी होकर आए हैं और जहाँ पे इंजर्ड एम्स में एडमिट हुए हैं उनसे भी हम मिलकर आए हैं। तो इस सरकार का कमिटमेंट है, जब भी ऐसी इस तरह की क्राइसिस होती है तो पूरी तरह से हम लगन के साथ काम करके नॉर्मलसी लेके आए, यही हमारी कोशिश रहती है। और यही इसी तरह से हम इसका इंसिडेंट को भी हमने लिया था। और T1 में जो हादसा हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर इसके ऊपर जांच की जाएगी। और दूसरी तरह जो पैसेंजर्स हैं जिनको असुविधा हुई है उनके लिए भी अलग तरह का इंतजाम कर चुके हैं। ऊपर से T1 अभी पूरी तरह से इवैक्यूएटेड है, कोई आदमी वहां पे नहीं है और जो ऑपरेशंस T1 से होने हैं उसको हम T2 और T3 से कंटिन्यू करेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 की छत गिर गई थी जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि कई लोग घायल हो गए थे। 28 जून सुबह करीब 5 बजे यह हादसा हुआ था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर। डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए पार्किंग एरिया में गाड़ियों की लाइन लगी थी। इस दौरान अचानक एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत का एक भारी भरकम हिस्सा नीचे गिर गया। वहां कार में बैठे एक ड्राइवर की मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। साथ आई आफत के साथ और हादसा कुछ इस तरीके से हुआ दिल्ली एयरपोर्ट पर कि एक व्यक्ति की जान चली गई और कुछ लोग इस वक्त घायल है। क्या हुआ हादसा उसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, ये दिल्ली एयरपोर्ट का T1 टर्मिनल है जहां पर डिपार्चर पर जिस तरीके का शेड बना हुआ आप देख रहे हैं वो शेड ध्वस्त हो गया, वो गिर गया। जबकि बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं हुआ था, मौसम विभाग के मुताबिक कि हैवी टू हैवी रेनफॉल वो कंडीशन दिल्ली में नहीं थी, लगातार बारिश जरूर हो रही थी और उस बारिश की वजह से आप देखिए कि क्षतिग्रस्त यहां पर छत हो गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट को नए स्वरूप में बनाने के लिए करीब 450 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
लेकिन जरा सी बारिश ने इसके निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। दरअसल 27 जून सुबह हुई बारिश के दौरान एयरपोर्ट के ड्रॉप एंड गो जोन के ऊपर लगा जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर, जी हाँ ये वही एयरपोर्ट है जहां पर कल जो है बारिश में एक हादसा हुआ और एयरपोर्ट के बाहर बना पोर्च का जो हिस्सा है वो ऊपर जो देखिए कैनोपी जो से बना हुआ पोर्च है वो टूटकर यहां पर गिरा था। आपको मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए कितना बड़ा होल जो है इस कैनोपी टेंट में हुआ है। हुआ ये था कि बारिश जो हुई थी बहुत तेज़ बारिश हुई, उसे चलते यहाँ पर पानी भरा और शायद ये बताया जा रहा है कि ये पानी बारिश का लोड नहीं ले पाया और उसी लोड के साथ जब पानी इस पे जमा हुआ तो वो पानी एक साथ गिरा और यहीं पे वो कार खड़ी थी, जो कार जो है वो चकनाचूर हो गई, कार के परखच्चे उड़ गए। गनीमत ये रही कि कार में उस वक्त कोई सवार नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन उसके बाद हुए उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली में हुए इस तरह के लगातार हादसे के बाद एक सवाल खड़ा हो रहा है, इस पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस से लेकर तमाम नेता जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि 450 करोड़ रुपए से बना जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट पर क्या गुणवत्ता नहीं बरती गई है। दरअसल टर्मिनल बिल्डिंग के पोर्च में कैनोपी टेंट लगाया गया था ताकि बारिश का पानी टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर ना आ सके, लेकिन बारिश का पानी कैनोपी टेंट से बाहर नहीं निकल पाया और टेंट के ऊपर पानी का भार बढ़ता गया। इसकी वजह से लोहे के टेंट का एक हिस्सा कार पर गिर गया। दिल्ली और जबलपुर हादसे के बाद राजकोट हवाई अड्डे की कैनोपी गिरने की घटना सामने आई। राजकोट के हीरासर में बने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की कैनोपी का एक बड़ा हिस्सा बारिश में गिर गया। राजकोट एयरपोर्ट की घटना में गनीमत यह रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हवाई अड्डे के निदेशक दिंगत बहोरा के अनुसार बारिश के कारण हवाई अड्डे के आगे की छत में जल भराव हो गया था, इसके चलते यह हादसा हुआ। आज जिस तरीके से हादसा हुआ, भगवान की कृपा कि ये दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई है, ये अच्छा हुआ। पर सबसे बड़ी बात ये भाजपा का भ्रष्टाचार का एक वधू कारनामा हीरासर एयरपोर्ट में आज जिस तरीके से हादसा हुआ वो सामने है। एयरपोर्ट पर बनी हुई एयरपोर्ट के बाहर की कैनोपी चंदवा छत आज गिर गई। 11 महीने भी नहीं हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री जी खुद आके इसका इनॉग्रेशन करके गए थे। भाई मुक्त भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका ये नमूना है। एक जबलपुर से कुमार इंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24।